गुना में रेलवे ट्रैक पर हत्या करके फेंके गए युवक के शव के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाला मृतक का भाई ही है। इस मामले में एसपी निमिष अग्रवाल द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, एसएसएल अधिकारी के उचित निर्देश अनुसार थाना कैंट की टीम शामिल थी। कैंट थाना की टीम ने जब लोगों से जानकारी ली तो पुलिस को पता चला कि उसका भाई रमन यादव और बृजभान यादव में आपस में झगड़ा हुआ। इस बात को लेकर पुलिस ने बृजभान यादव के भाई रमन यादव से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में रमन यादव ने बताया कि हम दोनों में आपस में विवाद हो गया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रमन यादव ने अपने भाई के सर में पत्थर दे मारा और उसकी उसी समय मौत हो गई। फिर उसने अपने भाई की लाश को घसीट कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे लोगों को लगे कि उसने आत्महत्या की है। परसों रात को बृजभान यादव खेसरा गांव थाना कैंट के निवास किया, उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, ट्रेन से उसकी लाश मिल चुकी है। लाइन मर्डर को हमारे सी एस पी और हमारे टी आई ने मौका से देते हुए उसमें जाँच करी और ये पाया गया कि जो मृतक है उसका उसके भाई से दारू के नशे में विवाद हुआ और जिसके चलते आरोपी ने उसके सर पे पत्थर से मारा, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई और अपनी कृत्य को छुपाने के लिए उसने लाश को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया, जिससे कि ट्रेन से वो लाश कट जाए और इस तरह रेलवे दुर्घटना है। इसमें हमारे वैज्ञानिक अधिकारी मिस्टर आर सी अग्रवाल ने भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और तीनों लोगों की टीम इस मामले में खुलासा कर सकते हैं। और भी आरोपी हैं नहीं, इसमें एक ही आरोप है सर। घटना का की हत्या जो की गई है ये रेलवे ट्रैक के पास में जो जगह है वहाँ पर जमीनी विवाद पर ऐसा कुछ सामने आया, उनके बीच में कुछ कोई विवाद नहीं था। इसमें जो दारू के नशे हैं उनके बाद विवाद हुआ, जिसके चलते सर शहर में अपराध बढ़ गया। गुना से अखिल परिहार की रिपोर्ट।